Hi friends, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn the difference among enthusiastic, excited, keen and eager. Friends, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है मनप्रीत कौर. आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इन सभी वर्ड्स में क्या फर्क है, जबकि इनका मीनिंग बेकरार होना, उत्सुक होना, उतावला होना होता है. कैसे जाने कि कब हमें enthusiastic, excited, keen और eager का यूज करना है. तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा. तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेसन शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, enthusiastic एंड excited आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव फीलिंग्स. फ्रेंड्स, यहां पर आप गौर करेंगे कि वर्ड enthusiastic एंड excited का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में बात करना हो. एग्जाम्पल के तौर पर, दे आर एक्साइटेड फॉर देयर ट्रिप. वे लोग अपने ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हैं. तो फ्रेंड्स, यहां हमने वर्ड एक्साइटेड का यूज किया. क्यों? क्योंकि यहां एक पॉजिटिव फीलिंग्स की बात हो रही है. ही सैंग हिज फेवरेट सॉन्ग एंथुजियास्टिकली. तो फ्रेंड्स, यहां हमने वर्ड enthusiastically का यूज किया. क्यों? क्योंकि यहां पर हम एक पॉजिटिव फीलिंग्स की बात कर रहे हैं. लेकिन फ्रेंड्स, keen and eager are more likely to be used with varying degrees of emotion. हम वर्ड keen और eager का यूज बेकरार होना या उतावला होना, उत्सुक होना, हम तब करते हैं जब हमें varying degrees of emotion की बात करनी हो, यानी हमें अलग अलग तरह के इमोशन की बात करनी हो. एग्जाम्पल के तौर पर, ही वॉज एगर टू गेट द बोरिंग क्लास ओवर विद. वह उस बोरिंग क्लास का खत्म होने के लिए बेकरार था, यानी वह बेकरार था कि यह उबाऊ क्लास जल्द खत्म हो. तो आपने फ्रेंड्स यह देखा कि हमने वर्ड एगर का यूज एक नापसंद सेंस में किया, यानी ये पॉजिटिव फीलिंग नहीं है. She was not too keen on spending the whole day outdoor in the sun. वह पूरा दिन घर के बाहर धूप में अपने दिन गुजारने के लिए बिल्कुल उतावली नहीं थी, उत्सुक नहीं थी या बेकरार नहीं थी. तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ भी कोई पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि वर्ड keen और eager का यूज हम अलग अलग डिग्रीज ऑफ इमोशन के लिए करते हैं. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना. फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय. फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और उनका नाम है तशनीम. आपने कमेंट बॉक्स में पूछा मे हैव टू और माइट हैव टू का क्या यूज है. फ्रेंड्स, यह एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है और इस टॉपिक में कुछ बारीकियां हैं जो आपको केयरफुली समझना होगा. तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, वो क्या बारीकी है जहां अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं. फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं आपको काम करना पड़ सकता है, यानी हमारे हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आता है ना पड़ सकता है या ना हो सकता है. इस तरह के सेंटेंसेस में ऑब्लिगेशन का पता चलता है, यानी किसी को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है या कोई आदमी कोई काम करने के लिए फोर्स हो जाता है. और दूसरा, यहां पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, यानी संभावना या इम्कान दिखाई जाती है कि ऐसा करना हो सकता है, नहीं भी. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पार्ट 17 में आपको हैव टू और हैज टू का यूज बताया, जहां मैंने आपको सिखाया कि उस तरह के सेंटेंसेस जहां इंसान कोई काम करने के लिए फोर्स हो जाता है, हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं. जैसे, मुझे दवा लेना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, मुझे रात में जागना पड़ता है. तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस से पता चलता है कि कोई काम मैं नहीं करना चाहता, बट मुझे ऐसा करना होता है या मुझे ऐसा करना पड़ता है.
यह बात हमने पार्ट 17 में सीखा। और फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में सीखा कि जब किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, यानी काम होने की संभावना हो या इम्कान हो, तो आप मे का यूज करते हैं। जैसे वह जा सकता है, ही मे गो, हो सकता है वह नहीं भी जाए। तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांट सकते हैं, योर फादर मे स्कॉल्ड यू। यहां हमने पॉसिबिलिटी दिखाया, हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें डांटें और नहीं भी। तो फ्रेंड्स, ये दो बात आप जानते हैं कि जब आपके सेंटेंसेस से फोर्स का पता चले या मजबूरी का पता चले तो आप हैव टू या हैज टू का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी हो यानी संभावना हो तो आप मे का यूज करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप मे हैव टू या माइट हैव टू का यूज कब करेंगे? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि मे हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंसेस में ऑब्लिगेशन यानी किसी काम को करने के लिए फोर्स किया जाए और साथ ही साथ उस काम को होने की संभावना दिखाई जाए, यानी पॉसिबिलिटी दिखाई जाए कि ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पार्ट 17 में आपको हैव टू और हैज टू का यूज बताया कि उस तरह के सेंटेंसेस जहां इंसान कोई काम करने के लिए फोर्स हो जाता है, हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे दवा लेनी पड़ती है, मुझे उसे डांटना पड़ता है, और मे के यूज से संभावना यानी पॉसिबिलिटी का पता चलता है। जब हम हैव टू और मे दोनों को मिक्स कर दें तो जो चीज तैयार होगी वो होगी ना पड़ सकता है, यानी यहां फोर्स और पॉसिबिलिटी यानी संभावना दोनों दिखाई जा रही है। यह है आपका हैव टू और यह है आपका मे का यूज। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको अब बात समझ में आ रही है कि अगर आपको किसी सेंटेंस में बस फोर्स दिखाया जाएगा तो आप हैव टू का यूज करेंगे, या सिर्फ पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाई जाएगी तो आप मे का यूज करेंगे। लेकिन जब आपके सेंटेंसेस में दोनों बात की जाए, मजबूरी भी और संभावना भी, तो फिर आप इस कंडीशन में मे हैव टू का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा है आपको, आप लिखेंगे यू, और ना पढ़ सकता है यानी मे हैव टू, और काम करना को इंग्लिश में कहते हैं वर्क। आपको काम करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू वर्क, हम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसे दिल्ली जाना पड़ सकता है, उसे ही, ना पड़ सकता है मे हैव टू, जाना के लिए हम लिखेंगे गो, और दिल्ली के लिए लिखेंगे टू दिल्ली। उसे दिल्ली जाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू गो टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। उन्हें वहां ठहरना पड़ सकता है, आइए फ्रेंड्स इसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं, इस सेंटेंस में क्या सेंस है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस में दो बात होती है। पहला कि आप किसी काम को करने के लिए फोर्स हैं या मजबूर हैं, और दूसरा यह काम होगा ऐसी पॉसिबिलिटी है या ऐसी संभावना है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। सबसे पहले लिखा है उन्हें, हम लिखेंगे दे, फिर हम पीछे आएंगे और पीछे से ट्रांसलेशन करते हुए आगे की ओर आएंगे। हो सकता है फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, इसके लिए मैंने दो ट्रिक बनाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर आपको वो ट्रिक नहीं पता, आप मेरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखिए, यानी अगर आप मेरे वीडियोस को पार्ट वन से देखेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पढ़ सकता है यानी मे हैव टू, और ठहरना को कहते हैं स्टे, और वहां को कहते हैं देयर। उन्हें वहां ठहरना पड़ सकता है, दे मे हैव टू स्टे देयर, हम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा हो कि माइट हैव टू का कब यूज करेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि मे हैव टू और माइट हैव टू के यूज में ज्यादा फर्क नहीं है।
हम मे हैव टू का यूज तब करते हैं जब हमें दिखाना हो कि यह काम होने की संभावना या पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हमें ये कहना हो कि ऐसा होगा, ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं या ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो हम मे के जगह पर माइट का यूज करते हैं। यानी इस बात को छोटा में आप ऐसे समझ सकते हैं, जब काम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो आप मे हैव टू का यूज करेंगे, और जब काम होने की पॉसिबिलिटी कम हो तो आप माइट हैव टू का यूज करेंगे। आपको यू पढ़ सकता है माइट। अब जब यहां पर हमने माइट हैव टू लिखा तो पढ़ने वाला ये समझेगा कि ये काम होने की पॉसिबिलिटी या संभावना बहुत कम है, और इंतजार करना वेट। तो फ्रेंड्स यहां गौर करें, आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं यू मे हैव टू वेट, तो आप समझेंगे कि ज्यादातर चांसेस है कि आपको वहां इंतजार करना पड़े, यानी इंतजार करने की चांसेस ज्यादा हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूं यू माइट हैव टू वेट देयर, तो इसका सेंस ये होता है कि बहुत कम चांसेस है कि आपको वहां इंतजार करना पड़े, यानी आपको इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन चांसेस या संभावनाएं बहुत कम हैं कि ऐसा हो। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको मे हैव टू और माइट हैव टू का यूज अच्छा से समझ में आया होगा कि जब मजबूरी और संभावना दोनों एक साथ आ जाए तो हम मे हैव टू या माइट हैव टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।